रॉक बेड्स में दिखने वाले कर्व्ड और जिग जैग स्ट्रक्चर को फोल्ड कहते हैं दूसरे शब्दों में रॉक बेड्स में वी वी फोल्ड्स कहलाते हैं फोल्ड्स को सेडिमेंटरी रॉक्स में अच्छी तरह से देखा जा सकता है इनका साइज़ वेरी करता है कुछ फोल्ड्स मीटर्स या सेंटीमीटर में मेजर किए जाते हैं जबकि कुछ फोल्ड किलोमीटर्स में मेजर किए गए हैं अब हम बात करते हैं फोल्ड के एलिमेंट्स के बारे में एक्शुअल प्लेन ये एक प्लेन या सरफेस है जो फोल्ड को पॉसिबली सिमेट्रिकल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है एक्सेस ऑफ फोल्ड ये एक्शियल प्लेन और किसी रॉक बेड के बीच इंटरसेक्शन लाइन है हिंज लाइन जहाँ फोल्ड के लिम्स मिलते हैं उसे हिंज लाइन कहा जाता है जो कि लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर है क्रेस्ट एंड ड्राफ क्रेस्ट किसी फोल्ड सरफेस के हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जबकि ट्राफ फोल्ड सरफेस का लोवेस्ट पॉइंट है लिम्ब क्रेस्ट से लेकर ट्राफ तक फोल्ड के स्लोपिंग साइड्स को लिम्ब कहते हैं इंटर लिम्ब एंगल दो लिम्ब्स के बीच का एंगल इंटर लिंब एंगल कहलाता है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन एंटीक्लाइन एक अप फोल्ड है जहाँ लिम्ब दोनों तरफ फोल्ड एक्सिस से दूर डिप होते हैं जबकि सिंक्लाइन एक डाउन फोल्ड है जहां लिम्स फोल्ड एक्सेस की तरफ डिप होते हैं